हमारे पूर्वजों को तो पता नहीं था और ना उनके गुरुओं को पता था। अब जैसा वो मार्गदर्शन करके भोले भाले उनके अनुसार चल पड़े। पहले तो इसे भोले व्यक्ति थे, एक भोला सा किसान था, उसके लड़का उत्पन्न हुआ उसकी पत्नी के। उसकी मां ने कहा, बेटा जा अपने गुरुजी को ला बुला के होम करानी है होम। अब कति सी दासा दासा था, वो गुरुजी के पास गया। गुरुजी परमात्मा ने दया करी है, मारे लड़का उत्पन्न हुआ है, मेरी मां ने कहा है मारा घूम कर दे घूम। अब गुरुजी समझ गया गोला बाला, अच्छा भाई पर नो बता सवा रुपये की करवाओगे घूम या सवा दो की, सवा पांच की, सवा दस की, ग्यारह की, बता। वो कहने लगा गुरुजी, वो कहने लगा किसान के, गुरुजी हम तो गरीब से आदमी है, हमारे सवा रुपये की घूम कर दे। अच्छा भाई चल। वो सामने बैठा लिया यजमान, गुरुजी बैठ गए अपने आसन पे और हवन शुरू कर दिया। अब उसने कहा कि जैसे मैं बोलूं ऐसे ही बोलना, ऐसे ही क्रिया करना तू सारी। अच्छा जी। अब पंडित जी कहे भूर भवे, उसने ना बोलना फुर फुर कर। अब बोले आदमी इनके ऊपर बोलनी आ उसके साथ संस्कृत। तो पंडित जी ने बोला तेरा सीधा बोल, वो भी बोला सीधा बोल। अब उस गुरुजी ने उसका थप्पड़ मारा, एक उसने दर दिया। आखिर में क्या हुआ तो दोनों लपटा लपटा हो गए। वो किसान तगड़ा था, पंडित जी दाब लिया उसने नीचे। अब पंडित जी को ये समस्या भाई, अभी के कुकर छोड़ है। फिर उसका ध्यान में आ गया कि तो जैसे तू कह रहा है ना ऐसे कर रहा। उसने कहा छोड़ दे, बोला छोड़ दे। तो दोनों भिन्न भिन्न हो गए। अब वो किसान ने सोचा कि इस ऊम में, इस घूम में यू सारा प्रोसीजर होता होगा। अब हमने बतावा हंसी, पहले हमारे गेरिया बुंडी बने रही थी नौ की नौ, बिना ज्ञान के ये हंडोला बना रहे थे हमारा। जब उनके सांस से उतर लिए, जो किसान कहता बोला पंडित जी बोला शुक्र है मेरा सौभाग्य था, मैंने सवाली करवा ली, जब सवा पांच की करवा लू तो दोनों मरा हूं आज। अब ये सारी सच्चाई है वैसे, क्योंकि अब तो हम समझदार हो गए, हमने पता लग गया कि मूर्खा टोल इकट्ठा हो रहा था, हमने मूर्ख